बालोद जिले में कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के द्वारा गुड़ाखू जर्दा युक्त गुटखा बेचने पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद कुछ बड़े व छोटे दुकानदारों के द्वारा गुपचुप तरीके से जर्दा युक्त गुटखा बेचने के मामलों पर तहसीलदार आर दुबे व नायब तहसीलदार राष्ट्रीय पांडे ने कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित सामग्री को जब्त किया व नियमतः कार्यवाही की। नगर सहित ग्रामीण इलाकों में ऐसे संकट की घड़ी में प्रशासन के आदेशों की अवहेलना किया जा रहा है। कुछ पैसों के लालच में ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। डोंडी लोहारा के अमित किराना तो भीम कन्हार में सुभाष जैन को साबुन बेचने की आड़ में गुटखा बेचने पर कार्रवाई की गई है। आज भी तहसीलदार आर दुबे ने देवरी क्षेत्र के ग्रामों में जाकर दुकानों की चेकिंग की, पूछताछ की, वही नियम की अवहेलना करते पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई। सुरेंद्र किराना स्टोर रानी तराई, सौम्या किराना स्टोर रानी तराई, संजय किराना स्टोर जेवरतला, उत्तम किराना स्टोर जेवरतला, साहू किराना स्टोर बोईडी, सभी पर गुटखा तंबाकू बीड़ी रखने पर सामग्री जब्त कर पंचनामा बनाकर चालानी कार्रवाई कर 1,000 रुपए का चालान ग्राम पंचायत द्वारा काटा गया। भोजू किराना स्टोर बोईडी एवं पटेल किराना स्टोर चिंद्री बंद नवागांव के दुकानदारों द्वारा मास्क न पहने जाने के कारण 500 रुपए की चालानी कार्रवाई ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 News। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।